नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल पापा का स्वागत है। आज हम लाए हैं ये बरगद के कटिंग लाए हैं। देखिए, हमारे जहाँ रहते हैं कॉलोनी में बड़ा पेड़ था, उसी से हम कट कर ले आए हैं। इसको आज हम दो कटिंग करके लगाएंगे। इसको कट करते दिखाते हैं हम। अब ये छोटे हम गमले में लगाएंगे। प्लास्टिक हमारे पास खाली एक गमला था, इसमें हम लगाएंगे। जब कटिंग तैयार हो जाएगा तो इसको हम बोनसाई बना से जो बना सकते हैं। इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ से जड़ है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा क्रस काट लाए। साफ कटा है थोड़ा सा, लेकिन कट कर रहे हैं इसको। बड़ा है तो इसको हम यहाँ से कट कर दें, दो दो कर दे रहे हैं। दो तो तीन बना सकते हैं क्योंकि काफी लंबा है। वही कट कर लाए हैं, देखिए दूध गिर रहा है। यहाँ से एक कर दिए हैं, एक इसका, ये यहाँ से कर, तीन लगा दे रहे हैं इसी में। हम इसकी डंडी की पत्तियां जो है सब तो कट कर देंगे। इसमें एक छोड़ दे रहे हैं पत्ती। इसकी कटिंग हम एक एक गमले में तीन कर देंगे। इसको यहां से कर दिए। इसका प्लांट जो है बड़ा महंगा मिलता है नर्सरी पे। इसका कहीं रहे बड़ा पेड़ रहे तो आप ले गया के लगा के इसको बोनसाई बना सकते हैं। इस तरह के इसको यहाँ यहाँ जहाँ से है यहाँ से कट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। दूध वाला प्लांट, कोई प्लांट कटिंग लग जाता है, इसका भी लग जाएगा। इसकी मिट्टी है थोड़ी सी मिक्स कर ले रहे हैं। कटिंग जब लगाए एक गमले में लगाए, जब तैयार हो जाए कटिंग तब आप अलग गमले में कर सकते हैं। ये अलवेरा अलवेरा जल ले आए हैं। और इसमें इसको पैक लगा लेंगे। इसको हम इतना गाड़ देंगे इसमें। देखिए इसी तरह के जो दूसरा है इसको भी हम गाड़ देंगे। जो ऊपर वाला है इसको भी इसको यहां से कर रहे हैं। नर्सरी 250-300 के नीचे नहीं देते पौधा बरगद वाला। आप इस तरह कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसमें तीन लगा दिए हैं। हल्का से इसको दबा देंगे यहाँ से। ये पानी डालने से हिले ना। जब कटिंग लगाइए यहाँ से थोड़ा सा इस तरह दबाते हैं। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। इसको हम दो तीन दिन छांव में रख देंगे कि मिट्टी नमी है तो ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए ये हमारे तीन कटिंग लग गए।
बरगद वाले। इसको हम कई दिन सोच रहे ले आके लगाएंगे, तो आज हमको फिर गम के नहीं यार ले आके लगाते हैं। आज हम गए उसको कट करके तुरंत लाए, अभी लगा दिए हैं। इस तरह बरगद वाले अगर बोनसाई बनाना चाहें तो इस तरह कटिंग से तैयार कर सकते हैं, आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप एक गमले में लगाइए 3-4 कटिंग, फिर उसको जो पकड़ ले फिर अलग गमले में लगाइए, बोनसाई बन जाए। चाहे थोड़ा सा जो चौड़े वाले आते हैं उसमें लगाइए, उसमें लगाए ज़्यादा अच्छा आता बनता है, उसमें जड़ और सब फैलता रहता है, बोनसाई अच्छी बनती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।